ऑयल हमारा हो गया, हम इसमें सौंफ डालेंगे थोड़ी सी, हाफ टी स्पून। मैश करा हुआ ये आलू है वो हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून आम पाउडर है, अमचूर पाउडर है, और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, नमक हाफ टी स्पून, और तो हमने हरी मिर्चें काट के रखी हैं वो डाल ऐड करती हैं, और इसमें हरी धनिया थोड़ी सी, हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे अच्छे से ताकि इसके मसाले मिक्स हो जाए। अभी हमारे समोसे की सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे, एकदम पतली पतली रोटी की तरह। जितने बड़े आप बनाना चाहें उतने बड़ा बना सकते हैं, छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहें तो बड़े समोसे बना सकते हैं। इसको चाकू से मैंने हाफ कर लिया है, इसको हाफ पीस में हम थोड़ा सा यहाँ एक साइड में पानी लगाएंगे, फिर इसको पानी लगा के इसको थोड़ा सा यूँ फोल्ड कर देंगे ताकि ये चिपक जाए आपस में। ये ऐसा हो के फिर इसमें हम आलू स्टेप में ऐसे उखाड़ लेंगे अच्छे से, फिर इसमें एक साइड में हम इधर पानी लगाएंगे इसको ताकि ये चिपक जाए। ये देखिए, ये देखिए चिपक गया। इसी तरीके से दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे। ऑयल हमने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया, अब हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक एक करके हम बारी बारी से डालेंगे। इसको हम बारी बारी से पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए इसमें कलर भी अच्छा सा आ गया है। ये देखिए अब ये हमारे ये रेडी हो गए हैं समोसे, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम जो बचे हुए समोसे हैं वो भी हम इसमें डाल के हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लो फ्लेम पे